आपका राजनीति से भी वास्ता रहा है, बहुत लंबे अरसे तक नहीं लेकिन अच्छा खासा वास्ता रहा है, आप लोकसभा से सांसद भी थे। ऐसे में जब मैं ये जो मंदिर मस्जिद खासकर अब ज्ञानवापी में जो आरोप लग रहे हैं कि ये राजनीति है, मुस्लिम पक्ष के बहुत से ऐसे, मैं कह रही हूँ पूरा का पूरा नहीं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चूंकि 2024 की तैयारी करनी है इसीलिए अब याद मथुरा भी आ रहा है और काशी भी आ रहा है। जी नहीं, ये तैयारी केवल 2024 की नहीं है, 2024 की तैयारी जो है वो तो निरंतर चल रही है जब से मोदी सरकार आई है। धारा 370 एक तरह से देखिए, तलाक 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 का वो हट जाना, समस्त मुस्लिम समाज की हमारी माता बहनों को एक तरह से उनकी प्रतिष्ठा देना, उनकी डिग्निटी प्रदान करना और विकास के इतने मुद्दे हैं। इस 24 के चुनाव के लिए ज्ञानव्यापी या मथुरा का मुद्दा आवश्यक नहीं है। ये मुद्दे जो हैं ये इतिहास में जो भूल हुई है उसको सुधारने के लिए ये करना आवश्यक है ताकि हिंदू और मुसलमान भाइयों में एक भाईचारा पुनः स्थापित हो। देखिए, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि 1947 में सबसे पहले तो ये हमारे सारे मुस्लिम बांधव इसको स्वीकार करेंगे कि आज जितने मुसलमान यहाँ पर हैं वो अधिकांश या सर्व, मैं तो कहूँगा कि सारे ही मुसलमान भाई हमारे जो हैं वो कन्वर्टेड हैं। जब से बाबर और ये मुगल साम्राज्य यहाँ पर आया है इनको, इनका कन्वर्जन हुआ है, इनका दमन से कन्वर्जन हुआ है और कई लोगों ने ये माना भी है, सोशल मीडिया पर इसकी क्लिप्स भी चल रही हैं। और 1947 में फिर आप बिल्कुल बगल ही में चले जाएंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, बाली, उन इलाकों में जब आप जाएंगे तो लोग जो हैं वो ये बात मानते हैं कि उनके पूर्वज जो हैं वो इसी परंपरा और वो हिंदू हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जो पूछा है मैं पूरा करूं, अपना उत्तर पूर्ण करूं, और इसीलिए जो 1900 एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, हेलो, जी जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। मुझे अपना उत्तर कृपया पूर्ण करने दीजिए। और इसीलिए जो हमारे मुस्लिम समाज के बांधव हैं जो 1947 में उन्होंने इस भारत भूमि में विश्वास दिखाते हुए यहाँ पर वो रह गए, तो अब उनका मैं ये समझता हूँ एक तरह से भाईचारा दिखाने का समय आ गया है। हिंदुओं में जो पुरानी गलतियां हुई हैं वो तो सर्वमान्य है, वो किस तरह से काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, मथुरा में केशव राय मंदिर तोड़ा, पुरी जगन्नाथ में तोड़ा, इसके तो प्रमाण उपलब्ध हैं जो कि कोर्ट में पेश किए जाएंगे। लेकिन ये मामला कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान समाज के जो समझदार लोग हैं इसको मान्य कर लें, स्वीकार कर लें कि ये भूल हुई है, इसको हम दोबारा स्वीकार करते हुए इस भूल को ठीक करना चाहते हैं, एक भाईचारा बना रहेगा, वरना ये फिर से लड़ाई चलती रहेगी। और आप लोग कहेंगे 1924 की तैयारी है, फिर लंबी लड़ाई चली तो बोलेंगे 1929 की तैयारी है। इन 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 चुनावों के लिए ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत भूमि की हिंदू सभ्यता जो पूरे विश्व में ज्ञात है उसको दोबारा प्रस्थापित करने के लिए ये आवश्यक है। और ये हिंदू धर्म की आस्था का प्रश्न है, इसको आस्था के ऊपर सवाल नहीं किया करते, ये मेरा मानना है। भारद्वाज जी आपकी बात पूरी हो गई अब? हाँ जी, हाँ जी जी, यही बात हम कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं कि पूर्वज जो हैं वो हिंदू हुआ करते थे, ये बाकी पड़ोस के मुल्कों में तो बात समझी गई है लेकिन यहाँ पर राजनीति के चलते बहुत कम लोग हैं, बबलू खान सरीखे, अंबर जैदी सरीखे और तमाम ऐसे कुछ नाम हैं जो ये बात मानते हैं और कबूल करते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो राजनीति में कहीं ना कहीं भूले भटके हैं। अब सवाल और प्रश्न यही है कि वो भाईचारा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं वो भाईचारा दोनों पक्षों की तरफ से दिखाया जाएगा कि नहीं, और जिस दिन दिखा दिया जाएगा उस दिन भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।
बाबा बाबा पूरिया सी सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।